हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने सेलेक के नए टेम्परेचर कंट्रोलर TC513CX का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। इस वीडियो में हम TC513CX प्रोग्रामिंग के अलग अलग लेवल्स और पैरामीटर्स देखेंगे। लेवल वन, चलिए शुरू करते हैं TC513CX की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मोड के लेवल एक में आने के लिए डेक्रिमेंट की 3 सेकंड्स के लिए दबाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले पे इनपुट दिख रहा है और जे टाइप थर्मोकपल को डिफॉल्ट सेट किया गया है। इनपुट टाइप बदलने के लिए सेट की को लॉन्ग प्रेस करें और उसके बाद डिजायर्ड वैल्यू चूज करने के लिए इंक्रीमेंट की एक बार दबाएं। यहाँ हम इनपुट टाइप RTD यूज कर रहे हैं। अगले पैरामीटर पे जाने के लिए इंक्रीमेंट की दबाएं। जैसे प्रोडक्ट यूनिट ऑन डिस्प्ले दिखाएं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए सेट की और इंक्रीमेंट की को एक साथ लॉन्ग प्रेस करें। अगला पैरामीटर है सेट पॉइंट लो लिमिट और सेट पॉइंट हाई लिमिट। यूजर इन पैरामीटर्स को यूज करके सेट पॉइंट रेंज सेट कर सकता है। अगला पैरामीटर है FTC फिल्टर टाइम कांस्टेंट, जो कंट्रोलर को प्रोसेस एप्लीकेशन से नॉइज रिड्यूस करने के लिए अलाउ करता है। हम ये वैल्यू को इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट, सेट की और इंक्रीमेंट की साइमल्टेनियसली लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हैं। अब इंक्रीमेंट की प्रेस करने के बाद यूनिट कंट्रोल मोड दिखता है। हम कंट्रोल एक्शन को रिवर्स मोड या फॉरवर्ड मोड पे सेट कर सकते हैं। रिवर्स मोड में कंट्रोलर हीटिंग के लिए और फॉरवर्ड मोड में कंट्रोलर कूलिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। अगला पैरामीटर है रिले एक्शन। हम PID कंट्रोल और ऑन ऑफ कंट्रोल में से कंट्रोल एक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला पैरामीटर है एंटी रीसेट वाइंड अप, जो फील्ड में से डिस्टरबेंस कम करने के लिए यूज होता है। इंक्रीमेंट की प्रेस करने से यूनिट रीसेट टू डिफॉल्ट पैरामीटर शो करेगा, जो सारे पैरामीटर्स चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए डाउन की को 3 सेकंड्स दबाएं। लेवल टू, अब लेवल टू प्रोग्रामिंग में आने के लिए अब एरो की को 3 सेकंड्स दबाएं। अगर हम PID को रिले एक्शन पैरामीटर में यूज कर रहे हैं तो यूनिट ट्यून पैरामीटर शो करेगा, जिसमें हम ऑटो ट्यूनिंग और सेल्फ ट्यूनिंग सेट कर सकते हैं या जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगले पैरामीटर्स है P, I और D वैल्यूज, जो प्रोपोर्शनल बैंड, इंटीग्रल टाइम और डेरिवेटिव टाइम के लिए है। यूजर इन वैल्यूज को PI और D पैरामीटर रेंजेस और फील्ड कंडीशंस के हिसाब से बदल सकता है। अब हम PID कंट्रोल के साइक्लिक टाइम मोड पैरामीटर पे हैं। हम यूजर मोड को ऑटो पे सेट कर सकते हैं। अगला पैरामीटर है साइकिल टाइम, जिसे 0.1 सेकंड से 99.9 सेकंड की रेंज में फील्ड कंडीशंस के हिसाब से बदल सकते हैं। अगला पैरामीटर है डिस्प्ले बायस, जिसका यूज इंडिकेटर या रिकॉर्डर की तुलना में कंट्रोलर की डिस्प्ले रीडिंग्स एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। हिस्टेरेसिस, अगर हम ऑन ऑफ कंट्रोल यूज कर रहे हैं, लेवल 2 के रिले एक्शन पैरामीटर में हिस्टेरेसिस पैरामीटर शो करेगा, जिसमें वैल्यू को डिजायर्ड डिग्री से चेंज कर सकते हैं, जिस पर हम प्रीडिफाइंड बैंड के अकॉर्डिंग रिले को ऑन और ऑफ स्विच कर सकते हैं। हिस्टेरेसिस पैरामीटर लोड लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो लोड को सेट पॉइंट से ऊपर फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ होने से रोकता है। प्रोग्रामिंग से बाहर आने के लिए इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट की 3 सेकंड्स तक दबाएं। लेवल 3,
लेवल 3 प्रोग्रामिंग में आने के लिए इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट कीज को एक साथ 3 सेकंड्स दबाएं। यूनिट यहां सेट पॉइंट पैरामीटर के साथ लॉक स्टेटस भी दिखाएगा। हम स्टेटस को सेट की और इंक्रीमेंट की एक बार लॉन्ग प्रेस करके लॉक में बदल सकते हैं। इसी तरह हम लेवल 1 और लेवल 2 के लॉक स्टेटसेस सेम प्रोसेस से बदल सकते हैं। इन पैरामीटर्स को यूज करके हम लेवल 1 लेवल 2 सेट पॉइंट्स की अनसेंसर्ड एक्सेस रोकने के लिए उन्हें एज रीड ओनली लॉक या क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग से बाहर आने के लिए इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट की 3 सेकंड्स दबाएं। एप्लीकेशंस: एक्सट्रूडर मशीन, फूड इंडस्ट्री, ऑटोक्लेव, पैकेजिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ओवन हीटर्स एंड बॉयलर्स एंड मेनी मोर।